ये है मेथी का पानी। तो मेथी दाना रात को एक चम्मच भिगो दिया था एक गिलास पानी में, और बस उसको सुबह उठ के खाली पेट छान कर पी लिया है। तो इसको सप्ताह में कम 2 बार मैं लेती हूँ, स्पेशली फॉर डायबिटीज़। अगर आपको शुगर है यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी है तो फिर ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। बट इसको भी बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी जो दवाई देते हैं, तो कहीं उससे ऐसा ना हो कि दवाई भी ले रहे हैं और पानी भी ले रहे हैं तो शुगर ज़्यादा डाउन हो गया। इसलिए किसी भी चीज़ को बहुत सोच समझ कर और सही तरीके से लेना ही ठीक रहता है। मुझे सूट करता है इसलिए मैं लेती हूँ। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और इस ब्लॉग को मैंने कल की सुबह यानी कि बृहस्पतिवार की बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सुबह से ही शुरू किया है। तो सुबह सोकर उठी और मुँह हाथ धोकर सबसे पहले मैंने मेथी दाना का पानी पिया है, और फिर यहाँ बैठ गई थी मैं योगा करने के लिए। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ स्किन टाइटनिंग और एंटी एजिंग का काम करता है ये फेस योगा। तो फेस आपको देखने में अभी इस तरीके से लगेगा, क्योंकि ये योगा ही ऐसा ही है। तो इसको कम से कम 20-20 काउंटिंग में 3 बार करना है, और इससे क्या होता है, काफ़ी अच्छा जो साइड से जो स्ट्रेच हो रही है स्किन, तो इससे बहुत अच्छी स्किन रहती है, और जल्दी जो जैसे एज के हिसाब से स्किन लूज पड़ जाती है वैसी नहीं पड़ती है। और ये वाला भी फेस योगा ही है, तो ये नेक और फेस दोनों के लिए ही है। तो जो स्ट्रेचेज आते हैं इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि एंटी एजिंग का काम करते हैं। और इस तरीके से मुँह में पूरा जैसे कि हवा भर के, और जितने भी मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ फेस योगा के, तो सबको 20-20 काउंटिंग में 3 बार करके कीजिएगा। स्टार्टिंग में बस एक ही बार कीजिएगा 20-20 करके, फिर आस्ते आस्ते आप काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। और इस वाले जो फेस योगा में आपको फिंगर इस तरीके से रखनी है, और सांस को भरते हुए आपको हल्का सा स्ट्रेच करना है फिंगर्स को। तो इस तरीके से ही फेस योगा आप कर सकते हैं, और अपनी स्किन को भी आप अच्छा रख सकते हैं। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि काफ़ी बार कमेंट सेक्शन में आता है कि आपकी एज के हिसाब से आपकी स्किन काफ़ी अच्छी है। तो देखिए, योगा है और आप क्या अप्लाई करते हैं फेस पर, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या इनटेक करते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाले फेस योगा से आपका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है, और अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो वहाँ पर भी आप इस तरीके से फिंगर को डैब कर लीजिए। तो ये कुछ 5 से 6 जो फेस योगा हैं ये मैं डेली ही करती हूँ। और प्लेंटी ऑफ वाटर, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि पानी मैं काफ़ी ज़्यादा पीती हूँ, 2.5 से 3 लीटर पानी तो मैं पीती ही हूँ, और ये एक मतलब मैंने अपना नियम बना रखा है। ठंड में भी जैसे मन नहीं करता है मगर मैं पीती हूँ। ठंड में 3 लीटर ना पी पाऊँ मगर 2.5 लीटर ज़रूर से पीती हूँ, उससे ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। और बस यहाँ पे योगा हो गया था, फिर मंदिर के सामने मैंने पोछा किया है, और उसके बाद मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद में आज फिर से मैंने ये नया वाला मल्टी कलर का दुपट्टा निकाला है, गिन के 10 या 12 दुपट्टे लेकर आई थी, तो ये वाले सूट के साथ बड़ा ही बढ़िया मैच हो रहा है। और आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो दिन था बृहस्पतिवार, तो पूरा फूलों से मैंने मंदिर को और भगवान जी को सजाया भी था, और यहाँ पूजा हो चुकी थी। और पता नहीं सुबह से इतना ज़्यादा मुझे लो फील हो रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि गर्मी एक्सेस ही पड़ रही है, तो गर्मी की वजह से एकदम सर दर्द हो गया था।
आज सुबह से गर्मी अच्छी खासी है। मतलब आज का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ ही है। सुबह से ऐसा फील हो रहा है कि गर्मी ज्यादा है। और एक बात की खुशी इतनी ज्यादा हो रही है ना कि कहीं जाने वाले हैं हम, निकलने वाले हैं यही एक दो ही दिन में। अब मतलब कब से मेरी इच्छा थी, ना जाने कितने साल हो गए कि कब जाऊंगी कब जाऊंगी। सो ये तो सिर्फ लेडीज जा रही है बस हम तीन लेडीज जा रही हैं, बस इतना बता दे रही हूँ। और जहाँ जाऊंगी आपको तो पता चल ही जाएगा, मगर मन में इतनी ज़्यादा खुशी है, इतनी ज़्यादा खुशी है कि क्या बताऊँ। और घर ही घर में रहते हैं, कहीं निकलो तो फिर थोड़ा मन में भी अच्छा लगता है, थोड़ा जैसे फ्रेश फील होता है। और बस अब पता करूंगी कि टिकट कंफर्म हो गई है कि नहीं, जैसे ही कंफर्म होती है वैसे ही आपको मैं बताऊंगी। और फिर तो हम लोगों को पैकिंग करनी है, तैयारी करनी है। तो अब मन में एकदम, मतलब बोलते ना एकदम हर्ष उल्लास वो है, तो खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। नाश्ता कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्या रखा हुआ है। सबसे पहले तो अभी मैंने दवाई खा ली है तो नाश्ता करूंगी अब। और यहाँ पे कढ़ाई मैंने निकाली, मैंने सोचा कि बेसन के गट्टे बना लेती हूँ, बृहस्पतिवार का दिन है। फिर संध्या मासी आई हैं कढ़ी लेकर के, तो कढ़ी बनवाई थी मम्मी ने, तो मेरे लिए कढ़ी भेजा था। अब आंचल को कढ़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है और ना ही चिंकी को, तो बस ये कढ़ी मेरे लिए आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि बेसन की एक सब्जी आ ही गई है यानी कि कढ़ी, तो फिर कुछ और बना लेती हूँ। और ये रितेश के ससुराल से आया है, बिल्कुल पतला वाला जो चिवड़ा होता है ना, यानी कि पोहा चूड़ा, तो ये बहुत अच्छा है। संध्या मासी बैठी हुई थी तो उन्हीं को मैंने कटोरी में निकाल के दिया। ये प्लेन भी ऐसे खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर आप मतलब बिलीव नहीं करेंगे कि किचन में मुझे इतना अनईजी फील होने लग गया था कि मैं मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि क्या पता मेरा माथा घूम रहा है, कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, और सर में एकदम भारीपन लग रहा था क्योंकि सुबह से ही मुझे बहुत लो फील हो रहा था सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से। तो गर्मी एक्सेस पड़ रही है, 44-45 डिग्री अभी कोलकाता का जा रहा है, और हर गर्मी में मेरा ये हाल होता ही है क्योंकि मुझे पसीना भी हद से ज़्यादा आता है। मैंने फिर उस टाइम पे तो कुछ नहीं बनाया, मैं चुपचाप से आई हूँ और पंखा चला के, प्लस मैंने एसी चलाया है और यहाँ मैंने मतलब रेस्ट किया है। फिर मैं सो ही गई थी और उसके बाद मैं डायरेक्ट शाम को ही उठी हूँ। फिर दाल चावल आंचल ने बना लिया था तो उसने मुझे उठाया नहीं कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। सो फिर बस तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रही थी और कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। सो चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो इस गर्मी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।